महाराष्ट्र के पुणे में 21 साल की युवती से गैंगरेप करने का मामला सामने आया। तीन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप की यह वारदात गुरुवार देर रात की है, जब महिला अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गई थी। क्राइम ब्रांच की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले में ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। कोंडवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 21 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। कोंडवा पुलिस स्टेशन के भोपदेव घाट के पास ये पूरा हादसा घटा, जब वो लड़की अपने मित्र के साथ भोपदेव घाट के पास आई थी। उस दौरान तीन अज्ञात लोगों ने अंधेरे और सुनसान इलाके का फायदा उठा करके लड़की के साथ गैंगरेप किया। मामला रात करीब 11 बजे के आसपास का है, जब पुणे के कोंडवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भोपदेव घाट के पास ये पूरा हादसा हुआ, जिसके बाद कोंडवा पुलिस स्टेशन में सुबह करीब 5 बजे के आसपास इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुणे पुलिस, क्राइम ब्रांच और दूसरे तमाम सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के करीब 2 से 3 अलग अलग जांच टीमें बनाई गई हैं, और साथ ही साथ आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए पुणे जिले के हर पुलिस स्टेशन को इंटीमेशन दिया गया है। उससे जुड़ी तमाम सारे अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि जिस तरीके से लड़की ने ब्रीफ किया है, उस आधार पर जांच एजेंसियां और जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, जो अरेस्टिंग के लिए निकली हुई हैं, उन सबको ब्रीफ किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब सियासत भी गरमाती जा रही है। पुणे और बारामती की सांसद वो सुप्रिया सुले ने ये कहा है कि पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र भर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ दूसरे तमाम सारे अपोजिशन पार्टियों ने सरकार और गृह मंत्रालय के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कई टीमें गठित की है, ताकि इस पूरे मामले में आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। वीडियो घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, पुणे।